राजस्थान के करौली में 12 दिन पहले हिंदू नववर्ष के दौरान निकल रही शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल में घायल पीड़ितों से मिलने जा रहे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी के विरोध में हाजपी रोड स्थित रामबाग चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अभिमन्यु सक्सेना ने बताया कि जिस तरह से शोभा यात्रा के दौरान पथराव आगजनी की गई वो एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस रूट से यात्रा निकल रही थी उस रूट की खुद पुलिस प्रशासन ने अनुमति दी थी, मगर वहाँ जानबूझकर हमला कराया गया उसके बाद जब पीड़ितों से मिलने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे थे तो सरकार ने तानाशाही करते हुए उनको बॉर्डर पे ही गिरफ्तार कर लिया। अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो हम सभी कार्यकर्ता राजस्थान के जिलों को भरने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। अभिमन्यु सक्सेना, जिला मंत्री युवा मोर्चा भाजपा। आज हम लोगों ने कानपुर के पी रोड में रामबाग चौराहे पर पुतला दहन किया है। विषय बिल्कुल न्यायिक है और सबको मालूम है। आज से 12 दिन पहले राजस्थान के करौली में एक घटना हुई। हिंदू नव वर्ष पर हमारे हिंदू भाई कुछ यात्रा निकाल रहे थे, उन पर कुछ विशेष अराजक तत्वों ने वहां पर हमला कर दिया। चूंकि सबसे बड़ा सवाल सरकार पर यह उठता है कि जिस रूट पर रूट पास हुआ वहां के प्रशासन ने उस पर अनुमति दी, उसके बाद सरकार की मिली भगत के साथ यात्रा पर डंडे बरसाए गए, आगजनी की गई और पथराव किया गया। इसके विरोध में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय यात्रा के माध्यम से उन पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। तानाशाही करते हुए वहां के मुख्यमंत्री ने प्रशासन की मदद से उनको रोक लिया, जिसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। और अगर अभी भी न्यायिक जांच नहीं हुई और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और दोषियों को जेल नहीं भेजा गया तो नेतृत्व के आह्वान पर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर राजस्थान की जेलों को भरने का काम करेंगे और ये विशाल आंदोलन का रूप लेगा।